बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नायला भट्टी, आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज वर्ल्ड। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। हरूनाबाद मुहर्रमुल हराम के आगाज से ही बिजमे बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर हरूनाबाद और अंजुमन परू हमदो नात के जेरे एहतमाम गली गली नगर नगर महफिल जिक्र इमाम हुसैन शुरू हो गई। हमारे नुमाइंदा खसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक इस सिलसिले में दूसरी महफिल जिक्र इमाम अली मकाम मस्जिद फिरदौस टब्बा शक्रिया में मुनक्किद हुई, जिसके मेजबान हरूनाबाद के मारूफ सोशल मीडिया एंकर पर्सन बाबर जुल्फिकार अली थे, जिसे खिताब करते हुए अलामा हाफिज सैयद ताहिर हुसैन गिलानी ने कहा, मुहर्रम का महीना तारीख इस्लाम में मुकद्दस महीनों के तौर पर जाना जाता है। इसमें नमाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाजवाल और बेमिसाल कुर्बानियां, उनके खानदान और जानसारान की तरफ से इमाम अलैहिस्सलाम पर कुर्बान होना एक बड़ी तारीख दीनी और मजहबी हकीकत है। इस्लाम ता कयामत खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकरूज रहेगा। मुसलमानों को इत्तेहाद और इत्तफाक की हमेशा से जरूरत रही है, मगर मुहर्रमुल हराम में मजहबी रवादारी बर्दाश्त और तमाम मसाले की बाहमी एहतराम की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान में रहने वाले तमाम मुसलमान का उनका ताल्लुक किसी भी मकातबे फिक्र से हो, अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम उनकी सोच फिक्र और अकीदे में शामिल है। सैयद ताहिर हुसैन गिलानी ने कहा, हर शख्स अपने तरीके से अपने अकीदे और सोच के मुताबिक इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानसारान की कुर्बानी को सलाम पेश करता है। अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना रहबर और रहनुमा समझता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जमाने जन्नत के सरदार हैं। अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करबला के मकाम पर तारीखी लाजवाल और बेमिसाल कुर्बानी में दीन इस्लाम को ताकयामत जिंदा और जावीद कर दिया। महफिल में मजहबी तंजीमात के सरपरस्त आला हाजी मोहम्मद यूनस आफ्ताब राशिद नूर गौरी मियाँ वहीद नासिर अनाई शहाबुद्दीन गौरी सहाफी कॉलम निगार एंकर पर्सन अल्लाह रखा बाबर कारी मोहम्मद शाहिद निजामी सैयद नज़ीर हैदर शाह काजमी समेत मुख्तलिफ शोबाह जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की, जबकि मारूफ नकीब मजहबी महफिल के रूरावा मिर्जा मोहम्मद अदरीस सईदी ने अपने खूबसूरत अंदाज में फराइज अंजाम दिए। बातजा शुरका में न्याज भी तकसीम की गई। लेकिन शहजादे की हालत में जो तीर किए कटिया होगा मेरा उस शहर नहीं जान देगा, उस शहर को पता है कि नन्हे शहजादे की हालत में जो तीर किए कटिया होगा जो तीर बाहर कटिया तो खून का गुबारा निकलिया, खून का गुबारा निकलिया उस हुसैन पाक ने शहजादे का खून हथा च लै के आसमान वाल आख्या आसमान गवाह हो गई। जो नबी के दीन जरूरत पई सी मैं 6 महीनों के भी बचा के नहीं सक रखे। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहे 24/7 न्यूज वर्ल्ड, मुस्तनद खबरों की दुनिया।